गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सेशन में। आज है 21 सितंबर एंड डे है मंडे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। अच्छा, उससे पहले मैंने एक पोल किया था आपके चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने ये समझाया था कि आपकी जो ऑडियंस है हमारी, तो वो मतलब किस किस बैकग्राउंड से है। जैसे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने वोट दिया उसके अंदर से 40% के आसपास लोग MBA, मतलब या तो MBA कर रहे हैं, MBA स्टूडेंट है, या फिर कैट वगैरह के एप्लीकेंट हैं, यानी कि MBA एस्पिरेंट आप उनको बोल सकते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था डेटा मेरे लिए, वो मेरे फ्रंट पे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, ताकि मतलब अपने कंटेंट को ऑडियंस स्पेसिफिक थोड़ी बनाने की कोशिश करूँगा। और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में मुझे लग रहा था कि UPSC वाले काफ़ी सारे लोग होंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाली वीडियोज़ है, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि कमेंट में भी कई सारे लोगों ने बताया। अच्छा, एक तो मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका एक मैसेज आया था टेलीग्राम के ऊपर। तो उस बंदे ने, मतलब वो जो स्टूडेंट है वो 7th क्लास में है और वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा है, और उसे कह रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, पर फिर भी वो सारी वीडियोज़ देखता है। तो मैंने सोचा अच्छी बात है भाई, मैं क्या बोलता हूँ। तो मतलब मुझे ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा पता चला उसके बारे में। तो पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात आपकी कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर लें मुझे। टू बी फेयर, अभी मैंने कोई भी कंटेंट उसके ऊपर नहीं डाला है, एक दो क्विजेज डाले थे पहले, वो भी अब तो नहीं डालता हूँ मैं बिल्कुल भी, और वो भी अच्छे नहीं थे ज़्यादा। तो अब से जो है रेगुलर सीरीज़ एक चलेगी इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं उसकी अनाउंसमेंट और क्या क्या उसके अंदर होने वाला है वो या तो आज शाम को कर दूँगा, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैं आपको एक पोस्ट के थ्रू बता दूँगा। तो आप उसके लिए पहले से फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, और कल से मोस्ट प्रोबेबली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। द बिग बैंग ईयर बिलोंग्स टू जोमैटो। इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली आपको एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। एक इकोनॉमिक टाइम्स वाले ये बार अवार्ड करते हैं, आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 था ये, तो मतलब हर साल करते हैं ऑब्वियसली। इसके अंदर 9 कैटेगरीज के अंदर ये स्टार्टअप्स को अवार्ड देते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा स्टार्टअप ऑफ द ईयर कौन सा रहा, आपका मिडास टच मतलब सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन था स्टार्टअप के अंदर, इस तरह से काफ़ी सारे वुमेन अहेड, कोविड लेस बिजनेस, कोविड लेड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से बेसिकली काफ़ी सारे 9 कैटेगरीज के अंदर ये रिवॉर्ड देते हैं स्टार्टअप्स को। तो यहाँ पे यही हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका दिस बिग बैंग ईयर, बिग बैंग ईयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा बूम रहा आपकी कंपनीज़ IPO इन सब चीज़ों के अंदर, स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर। तो ये इस तरह से, अब बिलोंग्स टू जोमैटो, आप समझ सकते हैं कि आपका स्टार्टअप ऑफ द ईयर मिला है जोमैटो को, दीपेंद्र गोयल इसके को फाउंडर और CEO है, तो ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर और एक और बात है कि मिदास टच, जो मैं बोल रहा था कि सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द स्टार्टअप, वो इन्फो एज को मिला है। इन्फो एज ने भी जोमैटो के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो एक तरह से ये भी जोमैटो की ही गुडविल को बढ़ा रहा है। यहाँ पर जोमैटो को ही मिला एक तरह से अवार्ड वाला, तो ये देख सकते हैं जोमैटो के एक तरह से दो अवार्ड हो गए यहाँ पर। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब यहाँ पर, अब इसके अलावा बाकी भी स्टार्टअप किस किस को मिला है, क्या क्या अवार्ड था, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस अवार्ड को किस बेसिस पे दिया हुआ है और किसको दिया है, और यहाँ पर वही उसका ग्राफिक दिया हुआ है कि कौन है, मतलब उस पर्सन की इमेज और कौन सी उस कंपनी का नाम है, स्टार्टअप का नाम है। तो आप चैनल पर पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आपको लग रहा है कि मतलब आपको पता ही चल रहा है कि ऐसा कोई न्यूज़ इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। टाटा प्लान्स ऑल एयरलाइंस अंडर सिंगल एंटिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मतलब ये पूरे एयरलाइन सेक्टर को चेंज करने वाली, या फ्यूचर के अंदर एयरलाइन सेक्टर के अंदर क्या होगा, या ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो उस चीज़ का आंसर है ये एक तरह से। तो इसके अंदर हुआ क्या है, बेसिकली टाटा, अगर आपको मैं यहाँ पे एक बार पहले ब्रीफ में बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा मिंगल कर रखा है, कन्फ्यूज कर रखा है इसके अंदर, मैं एक बार आपको साइड में लेके आता हूँ। तो टाटा ने, आपको पता है कि एयर इंडिया गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी एयर इंडिया की मेजोरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, यानी कि एयर इंडिया की मेजोरिटी ओनर गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट अपना जो भी उनका स्टेक है, जो भी उनका शेयर है, वो सेल कर रही है, बदले में उसको पैसे चाहिए ऑब्वियसली। तो उसके अंदर आपको बिडिंग्स लगानी पड़ेंगी कि आप, मैं इतने शेयर के लिए इतने पैसे देने को तैयार हूँ, तो वो सब। तो उसके लिए टाटा ने बिडिंग लगाई है, यहाँ पे एयर इंडिया के ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि टाटा ने इसके लिए बिडिंग लगा दिया आपकी। और यहाँ पे मैं अगर आपको एक और फैक्ट जोड़ दूँ कि टाटा के, मतलब अभी जो चेयरमैन है आपके, अभी तो क्या टाटा ग्रुप से नहीं बचे, बट जो पहले चेयरमैन हुआ करते थे, क्यों ग्रुप से नहीं बचे, क्योंकि रतन टाटा जो है, अगर आपने नहीं सुना, तो उन्होंने शादी नहीं की थी, तो मतलब उनका कोई जैसे सन या ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसके थ्रू मतलब इनका ग्रुप नहीं चल रहा है, मतलब टाटा ओनरशिप में है ऑब्वियसली, रतन टाटा भी जिंदा है। तो वो, तो उनके, आपके जो अगर हम फोर फादर्स में देखें, तो एक आपने नाम सुना होगा JRD टाटा, जमशेद जी रतन जी टाटा। तो इस, ये बेसिकली इनको पियनियर ऑफ एविएशन बोला जाता है इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर एविएशन के अंदर सबसे बड़ा नाम रहा है वो JRD टाटा का ही रहा है। तो इन्होंने जो है गवर्नमेंट की, मतलब इन्होंने एक कंपनी सेटअप की थी एयर इंडिया,
तो उसका नेशनलाइजेशन हो गया था 1929 के अंदर। अच्छा यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन मैं बोल रहा हूँ, एक जगह नेशनलाइजेशन बोल रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन का मैंने आपको मतलब बताया कि जब गवर्नमेंट से आपके इंडिविजुअल के पास, यानी कि आपके कंपनीज के पास, इन सब के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास कोई कंपनी आती है। नेशनलाइजेशन का मतलब उल्टा होता है कि आपकी इंडिविजुअल के पास कंपनी थी, वो गवर्नमेंट ने ले ली, आपको उसको पैसे दे गए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ले ली कंपनी। तो 1929 के अंदर एयर इंडिया, जो आपके इनिशियली JRD टाटा ने सेटअप की थी, उसका नेशनलाइजेशन हो गया था, यानी कि गवर्नमेंट के पास उसको कंट्रोल गया था, जो अब टाटा वापस से खरीद रहा है उस तरह से। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि टाटा का एक पॉइंट बनता है कि गवर्नमेंट, अगर मान लो गवर्नमेंट के पास 10 bids आती हैं, सॉरी कि ये भी 25 के अनुसार है, 10 bids आती हैं, और एक आपको बताऊँ तो स्पाइस जेट वालों ने भी जो है बिडिंग लगाई है, तो आपको जो है मतलब इन सब में एक प्रेफरेंस देने की अगर बात होगी तो वो टाटा को ऑब्वियसली प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर, और टाटा वाले भी ज़्यादा बिडिंग लगाएंगे क्योंकि इनका एक इमोशनल सेगमेंट भी है इसके साथ। एनीवेज, इसको हम स्किप करेंगे। एयर इंडिया के साथ साथ यहाँ पर टाटा वालों ने एयर एशिया वालों से भी बात की है कि वो भी उनको परचेज करने की डिमांड कर रहे हैं, और विस्तारा एयरलाइंस से भी बात की है। अच्छा, विस्तारा एयरलाइंस का यहाँ पर यह है कि उसकी उसके अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट आपकी सिंगापुर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की है, जो आपका 49% उनके अंदर शेयर होल्ड करते हैं। तो इनको भी आपका एक तरह से होल्ड करने की बात की है, मतलब मर्ज अपने अंदर एक्वायर करने की बात की है, और इसको भी, तो इन तीनों को मिला करके वो एक ही एयरलाइन का यहाँ पर सेटअप करने का सोच रहे हैं। अच्छा, इन तीनों के अलावा आपकी काफ़ी सारी एयरलाइंस बचती हैं, बट जो इंडिया का जिनके अंदर बिजनेस है इंडिया के अंदर, तो वो आपकी स्पाइस जेट ही बचती है। इनसे कोई ऐसी बात नहीं कही है, एटलीस्ट रिवील नहीं किया गया, और क्यों, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अच्छा चल रहा है। इन्होंने खुद भी, मैंने आपको बताया था अभी अभी, एक बिडिंग लगाई है एयर इंडिया के ऊपर भी। तो मतलब क्योंकि ये पूरा प्लान आपके एयर इंडिया के एक्विजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एयर इंडिया नहीं मिला तो वो एयर एशिया और विस्तारा को मिला के क्या कर लेंगे टाटा वाले। तो मतलब इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सबको लग रही है कि टाटा को ही जो है एयर इंडिया का बिजनेस जाने वाला है। तो उस तरह से बेसिकली यहाँ पर मैंने पूरा देख लिया। अब एयर एशिया BHT टू एग्जिट एयर एशिया इंडिया, विस्तारा टू बी बॉट अंडर AIA अम्ब्रेला टू सून टू, और SIA साउंडेड अबाउट द प्लान। तो ये आप वही बातें हैं कि आपका एयर एशिया की जो ग्लोबल कंपनी है वो एयर एशिया इंडिया वालों को एग्जिट देने वाली है। तो एग्जिट देंगे मतलब कोई खरीदेगा, खरीदेगा कौन, टाटा वाले खरीदेंगे। विस्तारा टू बी बॉट अंडर AIA अम्ब्रेला सून, और इसके यहाँ पे कोलन डाला हुआ है, कोलन का मतलब आपका ये लोग बोल रहे हैं, SIA बोर्ड साउंड अबाउट द प्लान। यही था आपका कि आपका SIA वाले इसके अंदर मेजोरिटी इन्वेस्टर हैं, सिंगापुर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो हमने ये पूरा देख लिया। अब इसके बाद ये आपका पूरा न्यूज़ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्केट शेयर दिया हुआ है कि इन तीनों कंपनीज़ का मार्केट शेयर कितना कितना है। बहुत बेसिक सी बात है, 13% आपका, 80%, 5%, ये बहुत बेसिक सी बात है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपका फ्लीट साइज़ कितना है, यानी कि एक आपकी सिंगल एयरलाइन के अंदर कितना परसेंट बैठ सकते हैं वो आपका, प्लस एक फाइनेंशियल 21 के अंदर लॉस कितना हुआ है, कि पिछले साल आपका जब कुछ फ्लाइट्स वगैरह नहीं चली, ऑब्वियसली आपको पता है कोरोना वगैरह से, तो जो है लॉस कितना हुआ वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने पूरा देख लिया। अब आगे चलते हैं आपका आईफोन 13 शॉर्टेज अपसेट्स द एप्पल कार्ड। बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता है कि आईफोन 13 और आईफोन 13, सॉरी मैं एक बार पॉज कर रहा हूँ वीडियो क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ हो रही है, तो आई होप आपको अब सुन रहा होगा, मतलब आवाज़ आ रही होगी ढंग से। तो इसके बारे में बात करेंगे, आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो आपको पता है अभी लॉन्च हुए हैं, तो नए आईफोन लॉन्चेस की ये होता ही है कि आपकी शॉर्टेज हो जाती है जल्दी से मार्केट के अंदर, और मिलता नहीं है वो मतलब लोगों को। तो इसके अंदर हुआ क्या, यही हुआ आपका कि आईफोन एप्पल थर्ड जो भी लॉन्च हुआ है उसकी जस्ट ही लॉन्च होने के बाद सप्लाई बम्प हो गया। सप्लाई बम्प मतलब उसकी अभी सप्लाई नहीं आ रही है, और अगर आप जो भी आईफोन के ऑथेंटिक डीलर्स हैं, मतलब आईफोन वाले ही हैं, तो उनसे अगर आप बात करते हैं तो वो भी 1 से लेकर 5 weeks तक का डिमांड करते हैं, कि मतलब वो भी सेवरल वीक्स के बाद आपको जो है सप्लाई कर पाएंगे कम से कम। और यहाँ पे एक जगह लिखा था कि 1 से लेकर 5 weeks के अंदर अंदर वो आपका आईफोन डिलीवर कर पाएंगे। जी रहा ये एप्पल ऑनलाइन स्टोर इन इंडिया टेकिंग ऑर्डर्स फॉर आईफोन 13 विद डिलीवरी कमिटमेंट ऑफ 1 to 5 weeks। तो ये वही बात है कि एप्पल वाले जो खुद ऑनलाइन स्टोर है उनका, उसके अंदर भी वो 1 से 5 weeks तक की डिमांड कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। अमेजोन हैज रजिस्टर्ड मॉडल्स दैट विल रिटर्न टू स्टॉक ऑन अक्टूबर 5 तक। वही आपका कि अभी आपका 27 सितंबर चल रहा है, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेजोन के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें वापस आ सकती हैं, और अराउंड 130,000 यूनिट्स आर शिप्ड टू इंडिया फॉर लॉन्च फेज। इतनी यूनिट्स इंडिया के अंदर आई थी, बहुत बेसिक सी बात है, आपको पूरी न्यूज़ के अंदर साउंड में आ रही होगी। तो ये मुझे पूरा डिस्कस के लिए, अच्छा इसके अंदर कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया है, मतलब यही है बस आपका कि थोड़ी सी प्रोडक्शन कम थी, थोड़ा सा इनको आपका डिमांड कम लग रहा था इंडिया के अंदर। फोरकास्टेड डिमांड एक वर्ड यूज़ किया है, फोरकास्टेड मतलब फ्यूचर के अंदर प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा, तो वो एनालिसिस करके इन्होंने जो भी निकाला था वो थोड़ा सा कम रहा था, मतलब जो भी निकाला।
तो हमने पूरा देख लिया। अब इसका की जो प्रेपरेटरी सेशन है, इसके अंदर कोई भी मतलब न्यूज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, लीगल आस्पेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ आती है। बट इसके अंदर आपको एक ही समझ लेनी चाहिए न्यूज़, G20। G20 मतलब एक ग्रुप है 20 कंपनीज का, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, मैं एक आपको यहाँ पर फोटो भी दिखा दूंगा ग्रुप 20 कंपनीज वाली। तो इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने जो है मतलब ग्रुप 20 कंपनीज़ के जो हेड्स हैं, यानी कि आपका बाहर कंट्रीज़ में देखेंगे तो आपके प्रेसिडेंट वगैरह हैं, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, तो वो सब जो है मीटिंग करने वाले हैं, और बाकी उनके एग्जीक्यूटिव्स भी, तो वो मीटिंग करने वाले हैं। वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, मतलब ऑनलाइन होगी ऑब्वियसली, और अफगान क्राइसिस के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे कैसे इसको अब जो है हमें काउंटर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। बलूचिस्तान में जब हुआ कल, आपने सुना ही होगा कि 4 सोल्डर्स और IS कमांडर किल्ड, जो आपने यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा ही होगा, तो वो सब जो चीज़ें हैं, तो इसके अंदर आप जो है इसको देख भी सकते हैं। आपको फ्यूचर के अंदर बेसिकली कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जो फ्रंट पेज पर आएँ, जो इसका रिजल्ट हो, यानी कि इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ पहली बात तो वो बताया जाए, या फिर दूसरी बात कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, फिर उसके नीचे रीज़न में दिया हो क्योंकि मीटिंग में बोला था, तो इस तरह से आपको मीटिंग का होना पता होना चाहिए। हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि एक और इसके अंदर न्यूज़ अच्छी है, क्या कम वो योगी जी का कैबिनेट जो है, जिसे अभी आपने सुना होगा कि आपके जो नेशनल कैबिनेट है, जो मतलब पूरे इंडिया का रहता है, सेंट्रल कैबिनेट आप उसे बोल सकते हैं, तो वो भी रिशफल हुआ था, काफ़ी सारे उसके अंदर चेंजेस आए थे, बहुत ही मेजर चेंजेस थे, वो आपके मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन कितने सारे बदल गए थे, तो हमने उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आपका योगी ने भी यही किया अपनी यूपी का जो कैबिनेट है इनका, इनके अंदर 7 मिनिस्टर्स को इन्होंने ऐड किया है इन अ कास्ट बैलेंसिंग एक्ट, यानी कि मतलब थोड़ी सी फनी सी बात है इसके अंदर, बट जो भी है, यहाँ पे यूपी के अंदर आपके 3 ओबीसी मिनिस्टर्स को, 3 SC मिनिस्टर, 1 ब्राह्मण मिनिस्टर को लाया गया है, और इन्होंने कास्ट बेसिस पे जो है काफ़ी सारे लोगों को हायर किया। अच्छा, कास्ट बेसिस पे मतलब ये नहीं है कि एक कास्ट का कोटा वगैरह बना के यहाँ पे किया है, बट काफ़ी सारे कास्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने खुद ही लिखा है कि कास्ट बैलेंसिंग एक्ट, तो मतलब यही आपका समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसके बैकग्राउंड में एक चीज़ चल रही है, लखनऊ के इलेक्शन, तो लखनऊ के इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के अंदर, तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा योगी जी कर रहे हैं, ताकि उनको वो भी मतलब सीट ना लूज़ हो, क्योंकि बेसिकली इसी तरह ये आपका समझ लिया इसके अंदर, और मतलब ऐसा कुछ इसके अंदर था भी नहीं, तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपकी, JM बैक्सी प्लान्स अप टू 2500 करोड़ IPO। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि JM बैक्सी आपकी शिपिंग सर्विसेज के अंदर कंपनी काम करती है। इसके अंदर बेसिकली क्या मीनिंग है इनका, कि आपके शिपिंग से रिलेटेड पहली बात तो कंसल्टेंसी, अगर कोई कंपनी शिपिंग करना चाहती है इंडिया के अंदर, जैसे मान लेते हैं कोई अमेजोन को देख के नई कंपनी खोल रहे हैं शिपिंग से रिलेटेड, तो उसके अंदर अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करती है, पहली बात। दूसरी बात आपकी कि ये खुद भी शिपिंग का इनका काफ़ी बड़े ब्रांड्स के अंदर इनका काम रहता है, तो वो बेसिकली JM बैक्सी का ग्रुप का इनका का क्या काम है वो समझने की पैसे से ज़रूरत है, तो आपको समझ में आ गया होगा JM बैक्सी क्या काम करती है। अभी अपना IPO लॉन्च करने की प्लानिंग करें 2500 करोड़ का, बहुत ही बड़ी बात होती है। इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका बेन कैपिटल बैग्ड है आपकी कंपनी। बेन कैपिटल, अगर मतलब मेरे काफ़ी सारे ऑडियंस हैं, मेरे को पता है कि MBA वाले हैं, तो उनको पता होगा बेन कैपिटल का कंसल्टेंसी के अंदर काफ़ी सारी बड़ी फॉर्म है ये। अब अभी के लिए आप मान सकते हैं ग्लोबल फॉर्म है जो JM बैक्सी ग्रुप को एम करती है, और बहुत ही बड़ी कंपनी है। आपको बेन कैपिटल इनका जो है ओनरशिप है 35%, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अगली लाइन है, इन इट्स स्टेप डाउन सब्सिडरी ICTIPL। स्टेप डाउन सब्सिडरी क्या होता है ये हम समझते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है आपकी। यहाँ पे क्या है कि आपका एक तो हो गया बेन, आपको दो तीन नाम तो समझ में आ ही रहे होंगे, बेन हो गया, एक हो गया JM बैक्सी, JM बैक्सी, और JM बैक्सी की ये कंपनी है आपकी ये ICTIPL। मैं इसको क्लियर भी कर दूँगा ताकि आपको भी यहाँ पर विजिबल हो जाए ICTIPL। बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका, अच्छा, JM बैक्सी का तो IPO आया नहीं था, तो JM बैक्सी की तो वैसे भी कोई होल्डिंग नहीं थी, तो जो उनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो हो सकता है कि सेल ना करना चाह रहे हो वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपका बेन कैपिटल ने स्टेप डाउन सब्सिडरी अप्रोच से इन्वेस्टमेंट की JM बैक्सी के अंदर। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या है कि JM बैक्सी का 100% ओनरशिप है ICTIPL के अंदर, तो यहाँ पर जो है बेन ने इनसे अग्रीमेंट करके 35% ओनरशिप इसके अंदर कर लिया,
तो एक तरह से इसके अंदर ओनरशिप हो गया। तो उस तरह से बेसिकली एक स्टेप डाउन सब्सिडरी जो इनकी थी, जो 100% आपकी जो होती है वो सब्सिडरी बन जाती है आपकी। तो वो स्टेप डाउन सब्सिडरी जो थी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके इनडायरेक्टली जो है जेएमबैक्सी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो ये दरअसल क्या होता है कि उल्टा होता है कि आपका जेएमबैक्सी के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो जेएमबैक्सी का जो ओनर है, मान लेते हैं एक्स है, तो आप एक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने उल्टा किया आपका कि ICTIPL के अंदर यानी कि सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जो ओनर था उसके अंदर अपनी ओनरशिप जमाई। अच्छा, ओनरशिप ये इनफॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर्स पर ये है कि बेन इनको होल्ड करते हैं, बट ऑब्वियसली अगर कंट्रोल की बात आएगी तो जिसके ऊपर मेजोरिटी स्टेक होगा वो आगे रहेगा। तो यहाँ पर वो बेन होगा, यहाँ पर इस बेन कंपनी होगी इसके अंदर। तो हमने जो है इस तरह समझ लिया। अब यहाँ पर ये आपका पूरा स्टेप डाउन सब्सिडरी का आपका जो है लॉजिक था। इसके आगे चलकर आपका यही सब है। IPO के अंदर इन्होंने 3 बैंकर्स को हायर किया। यहाँ पे बेसिकली अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का किसी को पता हो तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले लोग यहाँ पर आके यूज़ होते हैं। तो इन्होंने 3 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर किया ताकि वो अपने इस पब्लिक इशू को कैरी डाउन कर सकें। हमने देख लिया। अब नॉट जस्ट स्टार्टअप्स, ईवी मेकर्स ऑल्सो कीन ऑन हायरिंग फ्रेशर्स। ईवी मेकर्स आपको पता होगा, ऐसा ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो ये बहुत बेसिक बात है आपकी, बाकी कि आपके स्टार्टअप्स की तरह ही ईवी मेकर्स जो हैं वो भी आपके फ्रेशर्स को जो भी इनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स रहती हैं उसके अंदर हायरिंग करें। और मैं अगर आपको इंटर्नशाला का बताऊँ, मतलब अगर आपको इंटर्नशिप वगैरह कोई करनी है तो इंटर्नशाला का अगर आपको प्लेटफॉर्म पता हो तो उसके अंदर आपकी फ्री इंटर्नशिप्स होती हैं। उसके अंदर आपको क्या है कि स्टार्टअप्स काफ़ी सारे हायरिंग करते हैं। मैंने अगर खुद भी मैं बताऊँ तो मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन की है अभी, टेक्सेल्स करके कंपनी थी, उसकी इंटर्नशिप थी, सेल्स इंटर्नशिप थी। मैंने उसके अंदर कुछ किया नहीं था क्योंकि अभी हुआ नहीं है वो स्टार्टअप, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ऐसी ऐसी काफ़ी सारी इंटर्नशिप और ऐसी ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स निकलती रहती हैं स्टार्टअप्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि ये होता है असल में। और दूसरी बात आपकी, अभी ईवी के अंदर भी स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर जो भी पर्सनल स्किन की रिक्वायरमेंट रहती होगी, मोस्ट ऑफली प्रोडक्शन से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड रहती होगी, तो वो जो है इन्होंने हायरिंग फ्रेशर्स स्टार्ट कर दिया। तो हमने देख लिया यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी सारी कंपनी से एग्जांपल लेके लेके बताया है कि काफ़ी किस तरह स्टाफिंग फर्म टीम लीज एक करके कंपनी है। ये क्या करती है टीम लीज कंपनी, ये हायरिंग करवाती है, यानी कि हायरिंग करने के लिए लोग इनको आउटसोर्स कर देते हैं कि आप हमारे लिए कैंडिडेट्स ढूंढो। तो मतलब इनका ऐसे एग्जांपल लेके इन्होंने बताया है कि क्या क्या हायरिंग हो रही है, किस किस पोजीशन पे हो रही है। तो अब अगर आप मतलब रिस्पेक्टिव फील्ड्स को फुलफिल करते हैं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। हमने पूरा देख लिया, बाकी टाइम्स एंड ट्रैक का पेज है, इसके अंदर पूरे एड्स रहते हैं तो इसको हम स्किप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और आपका राइट इशू आ गया, केशवरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका राइट इशू आज ओपन हो जाएगा। आपका लास्ट डेट फॉर मार्केट रिनाउंसिएशन वेडनेसडे अक्टूबर 6 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इशू क्लोज हो जाएगा अक्टूबर 11 को। तो मतलब आपको जो शेयर्स मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो अक्टूबर 11 तक हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरा क्वेश्चन, मैं आपको राइट इशू का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ और देखने से लगता है IPO है, बट ये IPO नहीं है आपका, राइट इशू चल रहा है आपका। मैंने आपको पहले बताया हुआ इसका कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट करें, अगर आपको पता है तो क्या क्वेश्चन है कि ऑलरेडी लिस्टेड, मतलब जैसे इनका राइट इशू चलने लग रहा है तो क्या ये कंपनी लिस्टेड है NSE BSE कहीं पर भी, क्या ये लिस्टेड है कंपनी, यस और नो में आपको आंसर देना है। जो मैंने YNN लिखा है तो यस और नो में आपको आंसर देना है कमेंट में। अगर आपको नहीं पता तो भी आपको आंसर देना है, क्योंकि मतलब फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जो है आपको नीचे आंसर देना है। और मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग दें आंसर्स और मतलब नीचे कमेंट बॉक्स को भर दें। तो ये था बस छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर, ताकि पता चल पाए कि आपको मतलब कितना समझ में आ रहा है आपका डाउट से। अच्छा, तो आगे स्टार्ट करेंगे। नोट ऑफ कॉशन इन अ मार्केट स्टिल सिजलिंग, यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली एक नोट ऑफ कॉशन रहा है, इन द मार्केट स्टिल सिजलिंग, ये तो मैंने रीडिंग कर दी बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मार्केट स्टिल सिजलिंग का मतलब ये है कि मार्केट इतने टाइम से ऊपर जा रहा है इंडिया का मार्केट। मैं अगर आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी है उसके बाद अगर मैं वापस ऊपर चलूँ तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। द वर्ल्ड बीटिंग रैली ऑन द लास्ट शीट ऑफ द पास्ट 18 मंथ्स दैट प्रोपेल्ड सेंसेक्स, बेसिकली इसके अंदर क्या है कि वर्ल्ड बीटिंग रैली का यहाँ पे लिटरल मीनिंग है ऑन द लास्ट शीट। तलाशी मतलब आपको कई बार बताया इंडियन स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू द लास्ट शीट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करके दूं इंडिया और USA, क्योंकि USA काफ़ी अच्छी मार्केट रहती है, आप सबको पता ही है इन सबके बारे में, तो हम इससे कंपेयर करते हैं। तो USA की मार्केट ने पिछले 1.5 साल के अंदर, जो इन्होंने 18 मंथ्स का यहाँ पे गैप बोला है, मतलब कहाँ पे बोला था, या 18 मंथ्स का बोला था, 18 मंथ्स के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर मैंने खुद से कैलकुलेट किया आपका, USA के एवरेज स्टॉक ने आपका 25%। अच्छा, मैंने खुद से कैलकुलेट किया, मतलब ये नहीं कि मैंने खुद कैलकुलेशन वगैरह की है, खुद से मैंने ढूंढा है, रिसर्च किया थोड़ी सी। तो 25% जो है इसके अंदर इन्होंने एवरेज स्टॉक ने ग्रोथ दिया आपकी। इंडिया के अंदर ये नंबर 45% है,
कि अगर आप एवरेज किसी स्टॉक के अंदर डालते तो 45% के आपको रिटर्न मिले, इससे ऊपर भी मिले। मैं आपको इसी के अंदर दिखा देता हूँ एक न्यूज़ आपकी, इंडिया के जो आपके इंडेक्स रहे हैं पिछले आपके वन ईयर चेंज 61% इतना रहा है, तो मैं तो 45 ले रहा हूँ वो भी 1.5 साल का, और उससे ज़्यादा ही रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 2 साल की बात करेंगे तो इंडिया का 72% 71% रहा है, ये तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया एक बार के लिए। बट अगर हम 1.5 साल का कंपेयर करेंगे तो 45% और 25% रहा है अगर आप इंडिया का कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली यही है कि आपका मार्केट स्टिल सीजलिंग का मीनिंग हुआ कि जो अभी भी मार्केट बूम करने लग रहा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा बूम करने लग रहा है, तो उसके लिए एक नोट ऑफ कॉशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मतलब अंधों की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर मैं थोड़ी सी हार्श टर्म्स में बोलूँ, अंधों की तरह अब इसके अंदर ये बेसिकली कहना चाह रही है कि अंधों की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एनालिस्ट से ये मैं ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा हूँ आपकी, पीकिंग ग्रोथ, ग्रोथ आपको पता है पीक कर रही है आपकी ऑलमोस्ट, पीकिंग लिक्विडिटी मतलब अब एक सेकंड में आप बाय करके सेल कर सकते हैं, इतनी लिक्विडिटी हो रखी है मार्केट के अंदर। एंड फ्यूअर अर्निंग्स सरप्राइजेस कुड इंपैक्ट इक्विटी रिटर्न, यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें वो हैं। अच्छा, रिटर्न आपको किस चीज़ के लिए मिलते हैं? रिटर्न जो होता है मतलब आपको एक तरह से जैसे अपने कोई स्टॉक में 100 रुपीज़ डालें तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो किस चीज़ के लिए मिलता है? आपको रिटर्न पहला मिलता है रिस्क के लिए। जब यहाँ पर रिस्क इतना कम है, आपको सबको पता ही है कि इतना रिस्क कम हो रखा है आज की डेट में कि आपको मतलब ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपका स्टॉक ऊपर जाने वाला है इररिस्पेक्टिव कि कौन सा स्टॉक है वो, अगर हम कुछ एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं तो। अगर हम कुछ एक्सेप्शन को छोड़ते हुए अगर हम किसी भी स्टॉक के अंदर डाल रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो आपको किस बात का रिटर्न दे भाई? अगर आप सेविंग्स अकाउंट के अंदर डालते हैं तो आपको 4% 5% का रिटर्न मिलता है, तो वहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं है इसलिए आपको इतना रिटर्न मिल रहा है। पर मान लेते हैं आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डालना चाह रहे हैं, आपको पहले ये डिमांडेड रहता था कि आपको 15% 16% का से लेकर 25% तक का रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप बॉन्ड्स वगैरह के अंदर डालते हैं तो आपको 10% 12% का रिटर्न मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, प्लस उसके अंदर ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, ये तो मतलब ये तो बिना रिस्क के आपको मिल रहा है इतना पैसा। तो इसके ऊपर अगर आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क की वजह से मिलेगा, तब जहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क रहा ही नहीं वहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि आज की डेट में जब रिस्क नहीं है मतलब ऑलमोस्ट रिस्क नहीं है क्योंकि तो रिस्क नहीं है फिर भी इतना रिटर्न कैसे मिल रहा है? तो एक ना एक पॉइंट पर जाके ये चीज़ फंस जाती है क्योंकि और कोई रीज़न नहीं होता है रिटर्न मिलने का। रिटर्न मिलने के सिर्फ 3 रीज़न होते हैं, मैं आपको बताऊँ। पहला रीज़न होता है ये आपकी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन का मतलब कि आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि चीज़ें महंगाई बढ़ रही है तो आपको महंगाई के अगेंस्ट अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन्फ्लेशन प्रीमियम चाहिए। दूसरी बात होती है रियल रिस्क फ्री रेट, यानी कि उतना रिटर्न तो आपको चाहिए क्योंकि आप कंजम्पशन को डिले कर रहे हैं। अगर आप मतलब मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं आपको आज 100 रुपये दे रहा हूँ और 1 साल बाद 100 रुपये दे रहा हूँ तो उन दोनों की वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। या मान लेते हैं अगर आपको इन्फ्लेशन का डर लग रहा हो, मान लेते हैं मैं 110 रुपये दे रहा हूँ आपको, मतलब 110 रुपये दूंगा 1 साल बाद और 100 रुपये दे रहा हूँ आज, तो आप मतलब बिना सोचे समझे आज वाले 100 रुपये प्रेफर करेंगे क्योंकि इंडियन ह्यूमन नेचर में हम करंट कंजम्पशन को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये आपका सेकेंड रीज़न होता है क्योंकि हम कंजम्पशन को अपने डिले कर रहे हैं, यानी कि हम बाद में कंज्यूम करेंगे जो पैसा हम अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले। दूसरी बात, तीसरी बात होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ रिस्क। तो ये दोनों बातें जो हैं 1 और 2 वो तो आपको 4% 5% में भी मिल रही है जो आपको सेविंग्स अकाउंट के अंदर मिल रहा है ये वाला, पर इसके अलावा आपको जो भी चीज़ मिल रही है वो रिस्क की वजह से मिल रही है। तो रिस्क यहाँ पर नहीं है और फिर भी आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं जाके फंसेगा। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि एक ना एक पॉइंट पर जाकर एक जो लूमिंग रिस्क है आपका, ये आपका एवरग्रांडे का जो क्राइसिस हुआ वो सब मिला जुला के बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि आपका कहीं ना कहीं जाकर फंसेगी चीज़ और कहीं ना कहीं जाकर एक करेक्शन की एक वेव आ सकती है। करेक्शन की वेव का मतलब यही है, यहाँ पे लिखा भी है नेक्स्ट के अंदर करेक्शन रिस्क इन शॉर्ट टर्म। तो करेक्शन की वेव का मतलब यही है कि आपका स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। करेक्ट होने का मतलब अगर कोई स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है, कि हमने समझ लिया पूरा। अच्छा, इस बात को जो है फॉर्मली नोट कर ले, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये मैंने बहुत ही इनफॉर्मली डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर अलग से वीडियो बन सकते हैं, इतना बड़ा मतलब ये कॉन्सेप्ट है आपका, तो इसको आप नोट कर ले। अब आगे चलेंगे आपका करेक्शन रिस्क इन शॉर्ट टर्म बट सेंसेक्स कोड हिट 1 लाख इन 5 ईयर्स। ये बहुत ही मतलब इन्होंने डिप्लोमेटिक से बात कर दी यहाँ पर। एनीवेज हम डिस्कस करेंगे करेक्शन रिस्क आपका, मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म के अंदर किस तरह से है, और बट सेंसेक्स कोड हिट 1 लाख इन 5 ईयर्स ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। 5 साल के बाद किसको याद रहेगा कि इन्होंने जो आपको ये स्टेटमेंट दी थी। बट एनीवेज इन्होंने ये बोला कि आपका 5 ईयर्स के अंदर आपका सेंसेक्स जो है 1 लाख पॉइंट्स पर पहुंच सकता है जो अभी 60,000 हिट किया है। तो
ये बहुत बेसिक सी बात है, हमने देख लिया पूरी। और ये कौन है, ये आपके क्रिस्टोफर वुड है आपके, ये ग्लोबल हेड है ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी एट जेफरीज। जेफरीज बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक वाली कंपनी है आपकी, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, क्रेडिट जूस, बोफा सिक्योरिटीज, इन सब के बाद सिटी बैंक, इन सब के बाद आपकी जेफरीज ही आती है। तो ये आपने देख लिया, मतलब अच्छा देखो मैंने 7-8 नाम ले लिए उनके बाद मैंने बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है। अपने आप में टॉप 7 में होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको कोई कंपनी खड़ी करनी हो जो टॉप 7 में चली जाए तो आपको पता है कि उसका कितना लोड है। तो ये हमने देख लिया पूरा पूरा। इंडियन इक्विटीज़ शो सम साइंस ऑफ ओवरहीटिंग, ये भी यही वाली बात बता रहे हैं। ये तीनों के अंदर बेसिकली एक ही सेंस के अंदर बात करी जा रही है। इंडियन इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर्स, मोटा मोटा इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट, शो सम साइंस ऑफ ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग का मतलब यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं और रिस्क कम से कम होता जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने हाईएस्ट आरएसआई का भी ग्लोबल इंडेक्स बताया कि मतलब हर इंडेक्स के अंदर ग्लोबली आपका जैसे रशिया का आरटीएसआई और आपका जापान का, ये यहाँ पे पता नहीं इन्होंने यूएसए का कुछ भी नहीं है तो हम कंपेयर कर पाते, बट एनीवेज चाइना का इन्होंने बताया जैसे 55% का जो चाइना का मेन इंडेक्स है उसने 55% के रिटर्न्स दिए, जबकि अगर आप इंडिया का कंपेयर करेंगे तो 72% 71% पर चलने लग रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है आपकी, ग्लोबल मार्केट के अंदर हम सबसे ऊपर चल रहे हैं। दूसरी बात आपकी यही कि आपका एमएससीआई वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के सारे स्टॉक्स इसके अंदर, सॉरी मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के सारे स्टॉक्स इसके अंदर। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे एमएससीआई इंडिया, जिसके अंदर इंडिया के सारे स्टॉक्स हैं, उसने काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एज कम्पेयर टू दिस वन एमएससीआई वर्ल्ड। इसका आपका ये वाला है तो 132 पर चल रहा है, ये जो चीज़ वो 154 पर चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसमें यही से बोला हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं इसको एक और डेटा इसके अंदर दिया हुआ है। तो हमने पूरा कंपेयर कर लिया, इसके अंदर बेसिकली तीनों के अंदर बैकग्राउंड में यही चीज़ चल रही है कि आपका रिस्क नहीं है फिर भी आपके रिटर्न्स हैं। तो ये चीज़ अगर आपको अभी भी अच्छी लग रही हो तो अच्छी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी ना किसी पॉइंट पर जाके ये फंसेगी और वहाँ पर जाके जो है करेक्शन का वेव आएगा, करेक्शन थोड़ी बहुत होगी, उसके बाद आपको रिटर्न्स नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो IIFL फाइनेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि IIFL फाइनेंस एक IIFL ग्रुप है पूरा। IIFL का मैं आपको एक बार फुल फॉर्म बताता हूँ ताकि आपको बेटर कनेक्टिविटी हो। इंडियन इन्फोलाइन इनका बेसिकली वर्ड है, इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड। ये पहले इनका मीनिंग हुआ करता था दरअसल, अब इनका सिर्फ IIFL लिमिटेड नाम है सिर्फ। तो हमें पता है कि नाम तो वही है बट फुल फॉर्म अभी भी वही रहेगी। तो IIFL इनका एक पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज को मैंने आपको नाम बताया था पहले भी, कॉन्ग्लोमेरेट। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो आपको वैसे समझ में आ ही होगा क्योंकि मैंने ठीक ठाक ही लिखा। कॉन्ग्लोमेरेट आपका एक पूरा मतलब कॉन्ग्लोमेरेट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, पहली तो आपको कंपनी दिख ही रही है IIFL फाइनेंस, एक और कंपनी है इसके अंदर IIFL सिक्योरिटीज, एक और कंपनी है IIFL वेल्थ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेल्थ के लिए W, सिक्योरिटीज के लिए SEC लिख देते हैं। तो ये बेसिकली ये तीन कंपनीज बहुत मेजर है इसके अंदर, और भी कंपनीज है इसके अंदर। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर किस चीज़ के अंदर काम करती है कंपनी, अच्छा अगर आप ऐड देख लेते तो आपको वैसे समझ में आता है, लोन वगैरह देने की बात करें तो, फिर भी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही काम करती है कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही कंपनी काम करती है। तो हमने देख लिया पूरा पूरा। दूसरी बात, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि सेवन्थ लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कॉन्ग्लोमेरेट है, सेवन्थ लार्जेस्ट इन इंडिया कॉन्ग्लोमेरेट है आपके फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर। अब इसके ओनर कौन है आपके, तो इसके ओनर से पहले इसके फाउंडर की बात करेंगे। इसके फाउंडर आपके निर्मल जैन है, जो अगर हम उसकी बात करें तो मैंने कहता हूँ एक बार निर्मल जैन। और क्या होता है कि अगर कोई सक्सेसफुल ग्रुप होता है उसके जो आपके ओनर होते हैं, फाउंडर होते हैं, तो उनकी वैसे भी कन्वेंशंस के अंदर आपकी जो भी ग्रुप मीटिंग होती है, समिट्स होते हैं, उनके अंदर जितना उनको बुलाया जाता है उसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि उनकी कितनी मतलब रेपुटेशन है, कितनी उनकी इज्जत आप कह सकते हैं थोड़ा इनफॉर्मली होके, कितनी उनकी इज्जत है। तो उन ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं। मैं आपको एक और जो कोटक के आपके उदय कोटक जी हैं, मतलब जो उनके फाउंडर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, तो वो आपके उतने ही रिस्पेक्टेड हैं ये भी निर्मल जैन भी। अगर मैं आपको इनकी एजुकेशन का बताऊं तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA इन्होंने किया और NM से नासी मुंजी से इन्होंने पढ़ाई किया, प्लस इन्होंने MBA किया अपनी IIM अहमदाबाद से। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ड्रॉप आउट लिया कहीं से फिर उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी इनका तगड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड है पहली बात। दूसरी बात, इनकी इन्होंने एक और स्टार्टअप का फाउंडर किया है, 5paisa.com। एक तो इनका जो सबसे मेजर मतलब कंपनी है वो तो होगी IIFL। दूसरी बात आपकी जो 5paisa.com है, आपको बताओगे इसके बारे में, ये क्या है आपकी, ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे आपका जीरोधा है, आपका अपस्टॉक्स है, पेटीएम भी आ गया, आप तो ग्रो ऐप है, तो इस तरह से बेसिकली 5paisa.com
एक डिस्काउंट ब्रोकर ऐप है और काफ़ी ज़्यादा मेजर काम करते हैं इसके ऊपर, IPO सब आ जाता है आपका। तो वो उनका निर्मल जैन का ही सेकेंड स्टार्टअप आपका, तो हमने पूरा देख लिया। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं तो भी इसके अंदर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, मैंने आपको उसके बारे में पहले बताया हुआ है। और आपको जो इंस्टाग्राम का मैंने सबसे पहले बताया था तो उसका भी आपको एक लिंक मिल जाएगा नीचे, उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।